तो गाइज आप देख सकते हो दुबई में आपको एक से एक बिल्डिंग देखने को मिल जाएगी और एक से एक गाड़ी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना यार, एक अलग ही लेवल का, एकदम गजब लेवल का। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो अभी मैं हूँ दुबई में। बहुत दिनों से हमारे चैनल पर वीडियो नहीं आ रही थी, तो आप लोग सोचोगे ये टपक गया, मगर मैं अभी जिंदा हूँ। तो अभी मैं दुबई में हूँ और आप लोग को पूरा दुबई एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में एंड तक। दुबई का नाम आते ही गाइस लोगों के दिमाग में आता है दुबई में ओनली बस बुर्ज खलीफा। तो दुबई के अंदर में ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब सिर्फ आपको बुर्ज खलीफा देखने को मिलेगा। दुबई के अंदर में ऐसा बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे बुर्ज खलीफा के बाद म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर है, उसके बाद भी जैसे अबू धाबी की ग्रैंड मॉक्स है, अबू धाबी टेम्पल है और बहुत सारा चीज़ है जो मैं एक एक चीज़ एक्सप्लोर करने वाला हूँ। जैसे डिज़र्ट सफारी है, तो वो धीरे धीरे मैं सब एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो उसके लिए कैसा ना, आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। और गाइस, जब मैं पुणे में था तो मैंने आप लोग से कहा था कि मैं अभी तो पूरा पुणे एक्सप्लोर कर ही रहा हूँ। मतलब मैं 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर लगातार ट्रेवल कर करके वीडियो बनाता था। और मैंने आप लोग से वादा किया था कि अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो खंडाला भी जाऊँगा, मुंबई भी जाऊँगा, नैनीताल भी जाऊँगा। मगर आप लोग ने सपोर्ट नहीं दिखाया, इसके कारण मुझे दुबई आना पड़ा। और दुबई आने के बाद 10 महीने तक हमारे चैनल पे एक भी वीडियो नहीं आया, तो इसके लिए मैं आप लोग से सॉरी कहना चाहता हूँ। मगर फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अगर मैं दुबई आ ही गया हूँ तो मैं फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, दुबई में घूमने के लिए आप लोग जैसा सुनते हो ना, सिर्फ बुर्ज खलीफा और म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर ही नहीं है, दुबई में घूमने के लिए हज़ारों चीज़ है। और उसके बाद जो है ना, मैं आप लोग को दुबई ही नहीं, अजमान हो गया, शारजा हो गया, अबू धाबी हो गया, यूएई का जो सातों स्टेट है ना, पूरा सातों स्टेट एक्सप्लोर करने वाला और एक छोटी से छोटी चीज़ भी दिखाने वाला। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा गाइज आप लोगों से कि आपका भाई जो पुणे में भी था ना, तो वीडियो जो मैं बना रहा था ना, उसमें बहुत मेहनत लगता था, क्योंकि मैं ट्रेवल तो करता ही था, उसके साथ साथ मेरा पैसा भी बहुत जाता था उसके अंदर। और कैसा, मेरा एक ही छुट्टी रहता था संडे को, और संडे के दिन मोस्टली लोग की जब छुट्टी रहती है ना, तो वो घर पे बैठ के आराम करता, मगर मैं क्या करता था, घूम घूम के वीडियो बनाया करता था। तो गाइज, मेरा एक वीकली ऑफ रहता था, उसमें भी मैं घूम घूम के वीडियो बनाता था, मैं एक दिन भी आराम नहीं करता था। मगर मेन बात क्या ना, पैसे के बिना कुछ हो नहीं सकता। अभी जैसे मैं दुबई में हूँ, मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मगर अगर मैं आपको पूरा दुबई एक्सप्लोर करूँ तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव सिटी, तो यहाँ पर मुझे पैसा तो लगेगा ही, और यहाँ पर इंडियन रुपीज़ तो चलता नहीं है, दिरहम में लगेगा, तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है। जब भी मैं आप लोग से सपोर्ट की बात करता हूँ, तो सपोर्ट से मेरा मुराद ये नहीं होता कि आप मुझे पैसे से हेल्प करो, बस आप लोग का सपोर्ट मुझे ये चाहिए कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। और मेन बात क्या पता है, जैसे लोग आते हैं ना दुबई में, तो वो क्या है, आप लोग को सिर्फ दुबई में बुर्ज खलीफा दिखा देगा, म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर दिखा देगा, मगर मैं है ना, मैं आपको दुबई का दोनों साइड दिखाने वाला हूं। मैं तो आया था दुबई विजिट वीज़ा पे, और अभी मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। मगर अगर आप दुबई आना चाहते हो, यहाँ पे जॉब करना चाहते हो, तो आप कैसे आ सकते हो, कैसे जॉब सर्च कर सकते हो, और क्या क्या परेशानी आती है यहाँ पे, कितना स्ट्रगल है दुबई के अंदर में। ऐसा तो है नहीं कि आओ और आसानी से जॉब मिल जाता है। अब ऐसे ही बोलने वाला बोल देता है दुबई में तो ऐसे ही जॉब मिलता है, मगर यहाँ पर क्या क्या परेशानी होती है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, वो सब मैं बताऊँगा। और जैसे जो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, फिलीपीन, यहाँ से मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब करते आके, तो वो सब की लाइफ स्टाइल कैसा है, वो कैसा लाइफ जी रहे यहाँ पे, वो सब भी मैं अपने चैनल पे दिखाने वाला हूँ। आप लोग को नया नया इंटरव्यू मिलेगा देखने के लिए, बहुत सारे लोग के साथ मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ जो यहाँ पर आके जॉब करते हैं। तो वो 25 साल से 30 साल से जॉब कर रहे हैं, तो उसके लाइफ में क्या चेंजेस आया है, वो सब भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये चैनल पे बहुत सारा इंटरव्यू आने वाला है। और गाइस, मैं आप लोग को एक बात और बता दूँ, यहाँ पे जो है ना, दुबई का दो साइड है। एक साइड है जो बहुत बड़ी बड़ी इमारत आपको मिलेगी, बहुत खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग आपको मिलेगा, एक से एक हेवी से हेवी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, खूबसूरती से भरा भरा हुआ दुबई है। मगर दूसरा साइड है ना, जो हम जैसे लोगों के लिए, मतलब हम लोग क्या बाहर से आए यहाँ पर जॉब करने के लिए, तो हम लोग का जो लाइफ स्टाइल है ना, उसमें वो बिल्डिंग बड़ी बड़ी, यहाँ की बुर्ज खलीफा या म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर, ये सब हम लोग के लिए क्या वैल्यू रखता है, वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि क्या है ना, हम लोग यहाँ पे आए जॉब करने के लिए, तो जो जॉब करते हैं ना, उसके लिए ये क्या है नहीं है, ये सब इतना मैटर करता है या नहीं करता है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में, पूरा वीडियो में मैं दिखाता जाऊँगा। अभी जैसे जैसे ब्लॉग आगे आएगा, अब देखो, मैं जैसे जॉब पर जाता हूँ सुबह,
तो मेरे जो गाड़ी जाती है ना वो म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर के एकदम सामने से गुजरती है और दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा मैं डेली देखता हूँ। मगर क्या है मेरे लाइफ में उसका क्या वैल्यू है नहीं वैल्यू है वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मेरे ही नहीं, अब जैसे बहुत सारे हजारों लाखों लोग यहाँ पे जा जो काम करते आके तो उसकी लाइफ में क्या है इस सब की वैल्यू वो सब मैं दिखाने वाला। मेन बात क्या होता है ना यहाँ पे जो लोग आके बाहर से वर्क करते हैं मतलब बाहर से आके जो काम करते हैं ना उसकी लाइफ एकदम अलग ही होती है। दुनिया का चक्का चौथ जो दुबई है ना उसमें और उसकी लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। तो आपको जो सेकंड साइड है ना दुबई का वो कोई नहीं दिखाएगा, जो यहाँ पे आके लोग काम करते हैं उसकी लाइफ आपको कोई नहीं दिखाएगा। मगर मैं आप लोग से वादा करता हूँ कि आप लोग को मैं अपने चैनल पे सब कुछ दिखाऊंगा। और मेन बात क्या गाइस मालूम है, जैसे अभी मैं दुबई में हूँ तो सबको लगता है इसका क्या इसके तो मज़े मज़े भाई, यहाँ पे आके जॉब करना और यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है ना वो बहुत ही अलग लेवल का। इंडिया में अगर आप 12 घंटा ड्यूटी करते हो और यहाँ पे ड्यूटी करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ की 8 घंटा की ड्यूटी और इंडिया की 12 घंटा की ड्यूटी जो है ना उसमें बहुत डिफरेंस है। और उसके बाद यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है ना वो बहुत ही अलग है। तो वो सब चीज़ जो है ना आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ, जैसे मेरा डेली का जो लाइफ है ना डेली कैसा लाइफ स्टाइल है यहाँ पे, कैसे हम लोग सुबह उठते हैं, कैसे जॉब पे जाते हैं, जॉब पे आने के बाद क्या काम रहता है नहीं रहता है, जितना भी डेली का लाइफ स्टाइल है मैं पूरा अपने इस चैनल पे डालने वाला हूँ। आपको बहुत तरह की वीडियो आने वाली इस चैनल पे, बहुत तरह तरह की, और इंटरव्यू तो एक से एक आने वाला है। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।